हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम ये डिस्कशन करवा कि मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो में फोकस करवा नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस किसी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आपने समस्त जानते जे आपने कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर रो सिलेबस रही करंट अफेयर्स, से नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस रही है। आपने तीन रु चार मार्क निहाती भाव आसो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स उपरे। तो आम ओडिशा करंट अफेयर्स आसो दुई तीन मार्क तीन चार मार्क, सहित आम ओडिशा जीके आसो आउ नेशनल इंटरनेशनल जीके आसो आउ वर्ल्ड ज्योग्राफी उपरे क्वेश्चन आसो। आप समझ जानते सब टोटल 15 मार्क आपण मान रही एक थर 15 मार्क रोचे करंट अफेयर्स जीके। तो ए चार पांच मार्क नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस रो। तो देखो खास कर ओएवीएस ओडिशा आदर्श विद्यालय पीला इंपोर्टेंट कहीं से ओनली करंट अफेयर्स 30 मार्क आसे इंपोर्टेंस रोचे, एथेर कौन जीके आसे ना। तो देखो ये भिडियोटी समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम एएसओ एएसओ एआरआई अमी ओपीएससी ओसीएस समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहो करंट अफेयर्स सेक्शन। तो एथेर आम टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कशन करवा। आप चाहिए आउट ऑफ 25 केते मार्क रखुं कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटोरी हैज लॉन्च द श्रमिक मित्र स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर आम जो बिल्डिंग जो बनुच्छे सब कंस्ट्रक्शन वर्क हो जो लेबर अच्छा वर्क मिस्त्री अच्छा राजमिस्त्री अच्छा से मानी रिसेंटली श्रमिक मित्र नाम गोटे स्कीम को क्यों राज्य व केन्द्रशासित अंचल लॉन्च करी। चारिटा ऑप्शन रही उत्तर प्रदेश हरियाणा जम्मू काश्मीर दिल्ली। तो ये आपने सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, दिल्ली सरकार लॉन्च करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आउ व्हिच प्लेयर हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टेन ऑफ द इंडियन वुमेन्स टीम इन द 2020 वुमेन्स हॉकी एशिया कप। तो रिसेंटली 2022 वुमेन्स हॉकी एशिया कप आयोजित होगा जो कौटी ना ओमान रे आयोजित हम रिसेंटली जनवरी 21 रु आरंभ हो। तो से इंडियन वुमेन्स टीम जो इंडियन वुमेन हॉकी टीम अच्छी तार कैप्टेन किए वर्तमान बनी सविता पुनिया नवजोत कौर राणी रामपाल ललरन सियामी। तो ये आम करेक्ट आंसर हो सविता पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन द 2022 वुमेन्स हॉकी एशिया कप विल बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री। ऑलरेडी मुझे आपको आंसर कही सारी। तो 2022 वुमेन्स हॉकी एशिया कप क्यों देश में आयोजित हम। चारिटा ऑप्शन रही म्यांमार इंडिया ओमान थाइलैंड। तो ये सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी ओमान, ओमान रे आयोजित हेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया विल बी इट्स फर्स्ट एवर वर्ल्ड डीप टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन 2023 इन व्हिच स्टेट। तो इंडिया 2023 विश्व बधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप को आयोजित कर प्रथम थर पर। तो सेटा को स्टेट रे आयोजित कर इंडिया रो को स्टेट रे सेटा को आयोजित करा जिवो। तो ये जम्मू काश्मीर हरियाणा केरला गुजरात रही। तो करेक्ट आंसर होची केरल, केरल रे आयोजित कर वर्ल्ड डीप टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन द 18th एडिशन ऑफ द कचाई लेमन फेस्टिवल वाज रिसेंटली हेल्ड इन व्हिच स्टेट। तो आमर कचाई लेमन फेस्टिवल, कचाई लेमन गोटे फेस्टिवल रही सेटा रिसेंटली तार 18th संस्करण को आयोजित करा जाउची बा पालन करा जाउची सेटा को स्टेट रे को राज्य रे पालन करा जाउची नागालैंड तमिलनाडु उड़ीसा ना मणिपुर। तो एटा आमर कचाई लेमन फेस्टिवल टा मणिपुर रे पालन करा जाउची एटा 18th संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशन अप्रूव्ड परचेज ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल विथ इंडिया फॉर इट्स नेवी। तो से कहते रिसेंटली इंडिया ठारू क्यों देश ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को किणव तार नेवी पाई। तो ये इंडोनेशिया रही चाइना अफगानिस्तान फिलिपिन्स। तो रिसेंटली फिलिपिन्स रिसेंटली तार नेवी पाई इंडिया ठारु ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को किनिबा को अप्रूवल देछि। तो ऑप्शन नंबर डी होचो करेक्ट आंसर
समस्त क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहुछि, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम आसपार बहुत चांसेस रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच स्टेट लसुंग फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड। तो लसुंग फेस्टिवल को जहाँ को नामसंग कहुए, नामसंग कहुए, यही फेस्टिवल को क्यों राज्य में पालन कराए, मणिपुर, आसाम, सिक्किम, मेघालय। तो करेक्ट आंसर होची सिक्किम, सिक्किम रे नामसंग फेस्टिवल को पालन कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजेंड्स लीग क्रिकेट हैज नेम्ड विच फीमेल क्रिकेटर एज द एम्बेसडर ऑफ ऑल वुमेन्स मैच ऑफिशियल टीम। तो रिसेंटली लीजेंड्स लीग क्रिकेट आयोजित हम जो भाई अपना आईपीएल रही है से भाया अपना लीजेंड्स लीग क्रिकेट मैंने जो मैंने जो गोटे ख्यातिनामा खेला अच्छा क्रिकेट से रिटायर नहीं से मैं गोटे खेल आयोजित करीजेन्ट्स लीग क्रिकेट एलएलसी। तो एलएलसी रे जो वुमेन्स मैच ऑफिशियल टीम हिसाब से तार आम्बासडर फीमेल मानक आम्बासडर किए बनी हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, मिताली राज, झूलन गोस्वामी। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन रेलवे हैज रिनेम्ड केवड़िया रेलवे स्टेशन बाय व्हिच नेम। तो रिसेंटली भारतीय रेलवे द्वारा केवड़िया रेलवे स्टेशन नाम को चेंज करागला। तो कौन रखागला तार ना, विश्वास नगर, एकता नगर, पटेल नगर, गांधीनगर। तो रिसेंटली केवड़िया रेलवे स्टेशन एटा गुजरात रो, तो एटा को चेंज करके कौन करागला ना एटा अपन मानकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करागला, एकता नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गेट ए हार्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम ए जेनेटिकल मॉडिफाइड पिग। तो एटा एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहइबो, मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो, काहे ना प्रथम थर पई क्यों देश क्यों देशर सॉरी हु हैज सॉरी को प्रथम थर पर क्यों व्यक्ति को वर्ल्ड प्रथम थर पर हार्ट ट्रांसप्लांट करागला मैंने हृदय प्रतिरोपण करा जाउची घुसीरीर हृदय को हार्ट को मनीष देह रे ट्रांसप्लांट करागला प्रतिरोपण करागला आउ सक्सेसफुल हेची सेई व्यक्ति जनक के एमेलिया अर्थात एरहार्ट जॉन एडवर्ड्स बिली कॉस्बी डेविड बेनेट। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी डेविड बेनेट। डेविड बेनेट प्रथम व्यक्ति जी कि वर्ल्ड रो प्रथम व्यक्ति जी कि घुसीरीर हार्ट को ट्रांसप्लांट करागला घुसीरीर हार्ट को प्रतिरोपण करागला जहाँद्वारा मानने ठीक ठाक रेस्पन्स एपर्तंत रही। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर डेविड बेनेट। एग्जाम आसपारे कहीं घुसीरी हार्ट को प्रथम थर पर कौन से व्यक्ति को देहरे प्रतिरोपण करागला आउ से वर्तमान ठीक ठाक रेस्पन्स करुच्ची तो से इम्पोर्टेंट हूँ डेविड बेनेट हूँ प्रथम व्यक्ति। नेक्स्ट इज हु हैज बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2021 मिस यूनिवर्स टाइटल विजेता किए। एग्जाम पे इम्पोर्टेंट रहिबो तो ये आमर हरनाज संधु, वैदेही डोंगरी, नाडिया फेरेरा, श्रुति सितारा। तो ये सठिक आंसर होची हरनाज संधु, हरनाज संधु इंडिया बिलोंग करछंती। तो हरनाज संधु वर्तमान मिस यूनिवर्स 2021 टाइटल विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अवार्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2021 रिसेंटली आमर कोविड 19 जो 2020 और 2021 रो दुटा जाक गोटे साथ दि जाए 2020 रो पोस्टपोन करके वर्ष रिसेंटली दि जाए। तो से पचार 2021 किए ज्ञानपीठ पुरस्कार रे पुरस्कृत होती नीलमणि फुकान, दामोदर मौजो, सुधा मूर्ति, वैभव महाडिक। तो 2021 पे ज्ञानपीठ पुरस्कार रे पुरस्कृत होती दामोदर मौजो गोवारू बिलोंग करछंती आज 2020 पचारिबो ताहाले नीलमणि फुकान। एग्जाम मे पचारिपर 2020 रो काहेकि ना रिसेंटली दिया जाय छी रिसेंटली गोटाए मास तले दिया जाय छी तो 2020 रे मते दिया जाय छी 2021 रो मते दिया जाय छी तो मे बी आपन कोनसी भी क्वेश्चन पचारिपर 2021 पचारिबो ताहाले दामोदर मौजो 2020 पचारछी ताहाले नीलमणि फुकान। नीलमणि फुकान जने आसामीज पोएट आसाम रो लेखक आ दामोदर मौजो गोवा रो लेखक। तो ये आपन आंसर होची आप मैंने ऑप्शन नंबर बी होची आप मन पे सठिक आंसर। नेक्स्ट रही विच ऑफ दिस हॉकी प्लेयर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ध्यानचंद खेलरत्न
आवार दिस इयर तो यही वर्ष माने 2021 रे बहुत कैटेगोरी रे बहुत आमर कैटेगोरी रे मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड दिया जाए तो से पचार हॉकी रे कहा को दिया जाए प्रबोध त्रिकी प्रिजेश पी आर श्रीजेश आड्रियाना डिसोजा धनंजय महाडिक तो देखो तो हॉकी रे दिया जाए कहा को ना पी आर श्रीजेश को दिया जाए से भली क्रिकेट रे मते दिया जाए आउ बैडमिंटन दिया जाए समस्त कैटेगोरी दिया जाए आम डिस्कशन करवा ये पी आर सीरीजेस हो करेक्ट आंसर हॉकी रे नेक्स्ट रही हु हैज बीन कन्फेड विथ द टाटा लिटरेचर लाइव पोएट लोरेट अवार्ड फॉर 2021 टाटा लिटरेचर लाइव पोएट लोरेट अवार्ड क्या सम्मानित करगला मीना कांडास्वामी विक्रम सेठ जीत थाई आदिल जुसावाला तो टाटा लिटरेचर लाइव पोएट लोरेट अवार्ड 2021 रा विनर होती आदिल जुसावाला नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द विनर ऑफ द टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 रो टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रो विजेता किए चारिटा ऑप्शन रही अनिता देसाई अरुंधती रॉय विक्रम सेठ सलमान रश्दी तो ये सठिक आंसर होची अनिता देसाई अनिता देसाई एग्जाम पे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइफेड आदि महोत्सव तो ट्राइफेड आदि महोत्सव रो ब्रांड एम्बेसडर कहा को नियुक्ति करा जायतिला अवनी लेखरा एमसी मेरिकम लवलीना बोरगोहे पीवी सिंधु तो 2021 रे रिसेंटली ट्राइफेड मैंने हमर जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो आदि महोत्सव करा जाउची तारो ब्रांड एम्बेसडर किए नियुक्ति होती एमसी मेरिकम जने बॉक्सर महिला बॉक्सर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP यूनाइटेड नेशन रो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रो गुडविल एम्बेसडर किए नियुक्ति होती चारिटा ऑप्शन रही तो किए नियुक्ति होती क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करती तो यार करेक्ट आंसर होगा आप मानकर ऑप्शन नंबर सी डेनियल ब्रुहल नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज गिवेन द मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड 2021 इन क्रिकेट कैटेगोरी तो क्रिकेट खेल पाई 2021 रो मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड कहा को दिया जाए सिमरन कौर विराट कोहली मिताली राज शिखर धवन तो ये क्रिकेट रे दिया जाए मिताली राज जदि बैडमिंटन रे पचार ताहले बैडमिंटन रे कहा को दिया जाए बैडमिंटन दिया जाए प्रमोद भगत जी कि आम ओडिशा बिलंग कर रिसेंटली से टोक्यो पारा ओलंपिक्स रे गोल्ड मेडल जीति बैडमिंटन रे तांकु रिसेंटली मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड 2021 रे पुरस्कृत करा जायछि से ओडिशा रो बिलोंग करछन्ते एग्जाम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट रहिछि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन ऑस्ट्रेलियास बिग बॉस लीग तो से कौन कहती ना ऑस्ट्रेलिया जो बिग बॉस लीग आम इंडिया जो बोले IPL होती ऑस्ट्रेलिया रे बिग बॉस लीग होती तो ऑस्ट्रेलिया रे बिग बॉस लीग रे खेली प्रथम भारतीय क्रिकेटर किए ऋषभ पंत उन्मुक्त चांद शार्दुल ठाकुर ननादीज तो करेक्ट आंसर होती उन्मुक्त चांद ऑप्शन नंबर बी होची सटीक आंसर नेक्स्ट रही हु वाज द विनर ऑफ फर्स्ट मिस इंडिया 2021 टाइटल तो प्रथम थर पर मिस इंडिया 2021 टाइटल को दिया जाए तो तार विनर किए बनी पर्ल अग्रवाल श्रेया गुप्ता रैना सिग्री सुबी धनेता तो ये आमर करेक्ट आंसर होची पर्ल अग्रवाल एग्जाम पर इम्पोर्टेंट पर्ल अग्रवाल नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द यंगेस्ट एंड द फास्टेस्ट बोलर टू टेक 400 विकेट्स इन T20 क्रिकेट तो T20 क्रिकेट आम 2020 क्रिकेट मैच रे सब कम बयस खिलाड़ी एवं सब कम मैच रे द्रुत गति रे कम मैच रे 400 विकेट नहीं किए रेकर्ड कर मोइन अली रशीद खान इमरान ताहिर साकिब अल हसन तो करेक्ट आंसर होगी अफगानिस्तान स्पिनर
राशिद खान सबुठ कम बयस एवं कम मैच रे से टी ट्वेंटी क्रिकेट रे 400 विकेट हासिल करिसेंती एग्जाम पई मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस 2021 टेम्पलटन प्राइज। 2021 रो प्रतिष्ठित टेम्पलटन पुरस्कार रे कहा को पुरस्कृत करा जायछि बा किए ए प्राइज को ग्रहण करिसेंती। स्टुअर्ट जेम्स, बेकम फ्रैंकलिन, डेविड लिली, जेन गुडा। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, जेन गुडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ओन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2021। चारिटा ऑप्शन रही रेमो डिसोजा, टेरेंस लेविस, धर्मेश यारंटे, सुरेश मुकुंद। तो देखो यहाँ 2021 दि जाए 2021 तो एग्जाम 2021 आपको कवर करा पड़ो कहीं 2021 रो करंट अफेयर्स निहत आसो आ 2022 रो किसी क्वेश्चन आसो। तो ये मुझे रखुचे 2020 रो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड रो विजेता होती सुरेश मुकुंद। सुरेश मुकुंद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट रही हु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज 2021। रिसेंटली 2021 रो सेंट्रल यूरोपियन द्वारा यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज रे कहा को पुरस्कृत करा जायछि पिनाराय विजयन, ई श्रीधरन, नरेंद्र मोदी, के सेल्जा। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, के सेल्जा, जे कि फॉर्मर पूर्वतन केरल स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट रही विच इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैज बीन अवार्डेड यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021। 2021 यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड रे क्यों भारतीय अमेरिकीय वंशभव को पुरस्कृत करा जायछि दिव्या घोषाल, चांदनी शुक्ला, सुमिता मित्रा, अनिता बाजवा। तो ये करेक्ट आंसर होची सुमिता मित्रा। सुमिता मित्रा। नेक्स्ट रही हु हैज बेग्ड द कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार फॉर द ईयर 2020। एडा मध्ये 2021 रो करंट अफेयर्स 2020 रो 2021 रे दिया जायछि। तो 2020 रो कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार रो विजेता किए सीताकांत महापात्र, राजेंद्र किशोर पंडा, ब्रजनाथ रथ, बलराम दास। तो ये करेक्ट आंसर होची राजेंद्र किशोर पंडा। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तो फ्रेंड्स ये आज 26 क्वेश्चन आप थिला। तो आप आउट ऑफ 26 केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनइबे। जदि भिडियो भल लगता है तेल निहाती भावे गोटे गोटे लाइक करेंगे और अधिकर अधिका मात्रा कृपया सांगसाथी मानक सेयार करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय जगन्नाथ।